हेलो गाइस, वेलकम बैक कैल्चर। आई होप अच्छे होंगे। तो भाई जल्दी से आकर वीडियो को लाइक कर लो। इस वीडियो के लाइक से हमें 15,000 जल्दी से आकर पूरा करा दो। तो भाई सुबह वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखे थे हमारे प्यार ड्राइवर की KGF की लाइफस्टाइल भाई जो चली हुई है अभी। तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमें भाई मुकेम्बो देने वाला है। क्या पता भाई ये कोई ऐसी चीज़ मेरे को गिफ्ट कर दे, मतलब समझ रहे हो, कोई ऐसा सेफ जगह जिसको मैं हाई टेबल का सेफ हाउस बना सकता हूँ। भाई ऐसा भी हो सकता है मुकेम्बो, कुछ भरोसा नहीं है। बंदे की पावर्स अनलिमिटेड है, जगह इसके पास काफ़ी है। क्या पता मेरे को ऐसे ही मिल जाए, फ्री में मेरे को खरीदना भी ना पड़े। आपको पता ही है काफ़ी लेवल है बंदे के पास। फिलहाल अभी सारी चीज़ें मेरी हैं। मुकेम्बो भाई आज या कल में बेचारा चला जाएगा हॉलीडे पे, मतलब भाई वो जाना चाहता है अपनी बेटी को लेकर, घूमना चाहता है वगैरह वगैरह अलग अलग जगहों पे। उसको टाइम ही नहीं मिलता था भाई, नताशा छोटी बच्ची उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो इसलिए कह रहा था मुझे भाई मैं जाऊँगा छुट्टियों पर, आगे से ड्राइवर तेरे को सब कुछ संभालना है। इसलिए भाई मेरे को मुकेम्बो अपनी सारी चीज़ें दिखा रहा है धीरे धीरे, ताकि ड्राइवर सारी चीज़ों के बारे में जान जाए और आगे कोई इसको धोखा ना दे सके। KGF में भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि KGF की जिम्मेदारी भी मेरी है, क्योंकि मैं उसका बोस हूँ। तो सीधी सी बात है मेरे को इसको संभालना पड़ेगा। काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है भाई KGF को संभालना। का पता नहीं हम भाई सभी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बिना किसी गड़बड़ के, देखते। खैर भाई ड्राइवर काफ़ी बड़ा नमूना, आपको पता ही है, कुछ ना कुछ तो हम जरूर कर ही लेंगे। तो फिलहाल भाई अभी जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि आपको बताया रायता किस वजह से बंदों से फैला हुआ है। एक छोटी सी प्रॉब्लम ये शहर में आई है, उसको दूर करना है, उसके बाद सब कुछ प्रॉब्लम हमारे अंडर कंट्रोल में आ जाएगी। देखो भाई अभी कोई भी सिचुएशन हमारी ये कंट्रोल में नहीं आ रही, और हमारी बेइज्जती भी हो रही है, क्योंकि हमारे पास इतनी पावर भी है, तब भी हम चोरों को नहीं पता लगा पा रहे। यार गड़बड़ तो ये हो रही है ना। लेस्टर मेरे को बोल रहा है ड्राइवर ऐसा मत कर, जल्दी से चोरों का पता लगा। पता नहीं कौन सी कंट्री से चोर आए, पता नहीं कर पा रहे। सबसे मेन चीज़ क्या है भाई, वो बंदे हैकर भी है। शहर के किसी कैमरा में गाड़ी नहीं दिखती, कहाँ पे बंदे घूम रहे ये पता कर ही नहीं सकते। सैटेलाइट के इमेजेस को भी हमने हैक करके चेक करा, वहाँ से भी गाड़ी नहीं देख पा रहे भाई हम। ये चीज़ समझ भी नहीं आ रही, क्योंकि भाई देखो हैकिंग करके हम हर एक चीज़ को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कैमरा में चीज़ दिख जाती है, गाड़ी ऐसी आराम से दिख जाएगी, बट नहीं आ रही। ये ही तो चिंता करने की चीज़ है, गाड़ी कैमराज में नहीं आ रही, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं आ रही। फिलहाल लेस्टर ने मेरे को एक बात बोली, आपको याद होगा भाई सुबह वाले एपिसोड में लास्ट में जब मैं कुछ बंदों को पीटने के लिए गया था, मेरे को गाड़ियाँ मिली थी, तो बंदे ने बोला था मेरे को कि भाई उनका फ़ोन आया था और बोला था गाड़ी डिलीवरी करनी है। फ़ोन जिस लोकेशन से आया था वो लोकेशन हमने ट्रेस कर लिया, मतलब लेसन ने ट्रेस कर लिए। तो जा करके भाई चेक करता हूँ उसी जगह पे, क्या पता मुझे बंदे अभी भी वहीं पर मिल जाए, फटाफट से पहुँचता हूँ। तो भाई आपने वीडियो को लाइक नहीं करा कर लीजिए, मैंने आपको लाइक से बता दिया 15,000। अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और पे लाइक एंड प्रेस करके उसको स्टार्ट कर दो। अभी तक आपने अगर मेरे फर्स्ट चैनल को चेकआउट नहीं किया, बाद में जाकर चेकआउट कर लेना, उसको चिटी को रिजल्ट और इसका नेक्स्ट पार्ट कल सुबह 11 बजे उसी पर आने वाला है। तो ड्राइवर भाई फटाफट से पहुंच जल्दी से उसी जगह पे जो हमारे लेसर ने बताई है। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ फिलहाल। तो भाई ये है वो जगह जिसके बारे में लेसर ने बोला है, तो यहाँ से फ़ोन आया था। फिलहाल यहाँ पर एक भाई वैन खड़ी हुई है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। फिलहाल यहाँ पर भाई रहने के लिए रूम से बना रखे हैं बंदे ने, छोटे छोटे क्वार्टर भी बना करके रखे हुए हैं। तो फिलहाल भाई जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर सिंगल भी गाड़ी नहीं है, मतलब उस वैन के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। भाई लगता है जैसे कि रातों रात बंदे इस जगह खाली करके चले गए। वैसे रातों रात तो नहीं बोल सकता, दिन के दिन बंदे जैसे कि थोड़े टाइम बाद ही इस जगह खाली करके चले गए, क्योंकि उस बात को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जैसे हमने फ़ोन ट्रेस करा, लगभग 1 ही घंटा हुआ होगा उस बात को। बंदे निकल गए पतली गली से भाई, और जैसे कि ये बेस में देख पा रहा हूँ, मेरे को याद आ रहा है यहाँ पे मैं लास्ट टाइम भी आया था, बट यहाँ पर काफ़ी चीज़ें खड़ी थी, टैंक्स व्हीकल्स वगैरह सारी चीज़ें थी। आज यहाँ पर क्या है, 1, 2 एंड 3, मतलब कि भाई 4 और एक सड़ी हुई थी, 5, मतलब 5 टोटल चीज़ें भाई, 5 व्हीकल्स बस यहाँ पर है टोटल। तो देखा जाए तो भाई बंदे चालाकी दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं हैकर बन रहे हैं ना, एडवांस बना के रहेंगे हम भी उनका हैकर। लेस्टर का बोलता हूँ, लेस्टर भाई अब लग जा पूरा जी जान से, अगर तू डांस करता मेरे को मिल गया, मैं सही बता रहा हूँ मैं तेरे दूसरे पैर को भी सही कर दूंगा अगर तूने भाई ये पता नहीं करा। क्योंकि भाई KGF के बॉस बनने के बाद में अगर चोरों को नहीं पकड़ पाए तो क्या फ़ायदा। भाई मैंने लेस्टर को सारी बात समझा दी, लेस्टर बोल रहा टेंशन मत ले भाई, जब तक केस सोल्व नहीं होगा मैं कुछ नहीं करने वाला। तो फिलहाल भाई चलिए अपने काम पर लग चुका है, पुलिस वाले बंदों के पास चलना है मेरे को। पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, बोल रहे ड्राइवर जल्दी आओ, ज़रूरी बात बतानी है, बहुत प्रॉब्लम चल रखी है। पता नहीं भाई क्या बताने वाले, पहुँच करके पता करता हूँ जल्दी से। मुझे ऐसा लगता है ना शायद से भाई उनकी गाड़ी अभी चोरी हो गई, शायद भाई, काश ऐसा ना हुआ हो। मेरी जेम्स वाली कार कूदेगी क्या, ये ले बेटी बिजली घर में मत गिर जाना, बिजली घर में मत गिर जाना, मेरी प्यारी गाड़ी आराम से। वाह भाई वाह, व्हाट ए लैंडिंग यार, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी स्मूथ लैंडिंग हो जाएगी। मैंने यही सोच रहा था कि बिजली घर में गिर सकती है, जेम्स वाली कार दम तो है तुझमें। चलो भाई निकलते पुलिस स्टेशन। भाई पहुंच चुका हूं शहर वाले पुलिस स्टेशन में, जल्दी से बातें करते हैं चल करके। मेरे प्यारे ऑफिसर्स बताइए जल्दी से, मिनी गन बंद कर ले भाई, ड्राइवर इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने घर के बंदे, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल भाई ऑफिसर सामने खड़े हुए, चलो इनसे ही बात करता हूँ। ऑफिसर ओके बताइए। ड्राइवर सर इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैं पागल हो चुका हूँ कंप्लेंट्स लिखता लिखता। सभी बंदों की गाड़ियां चोरी होती जा रही है, जिसके पास एक है उसकी भी,
जिसके पास 10 गाड़ियां हैं उसकी भी सभी के घर से गाड़ियां गायब हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा, गाड़ी जा कहाँ रही है, ना कोई रोड पर दिख रही, ना कैमराज में आ रही, वगैरह वगैरह। प्लीज जल्दी से चोरों को पकड़िए, नहीं तो हमारे ऊपर बहुत परेशानी कर रही है। जनता ने नाक में दम करके रखा है, न्यूज पर यही खबर दिखा रहे हैं, हमारी नौकरी खतरे में, हम सस्पेंड हो जाएंगे। प्लीज ड्राइवर सर कुछ तो करिए, आपके पास बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, आप जल्दी से ढूंढ सकते हो। फिलहाल भाई प्रॉब्लम बहुत ऊपर तक चली गई है, ये तो वही वाली बात है, पानी सर के ऊपर से निकल गया और इसका मतलब मौत कभी भी हो सकती है। पुलिस वाला तो कह रहा है सर हमारी जॉब चली जाएगी, आपके पास एडवांस चीजें हैं तो भाई टेंशन ना ले, मैं कुछ करता हूँ। भाई नॉर्मल बंदों की गाड़ियां भी चोरी हो रही है, मेरी नहीं, मैं अकेला शिकार नहीं बना, बाकी बंदों की गाड़ियां भी जा रही है यार। एक हो चाहे किसी के पास 10 हो चाहे 2 हो, उनकी गाड़ियां चोरी हो रही है। ऐसे अगर धीरे धीरे गाड़ी चोरी होती गई तो सारी गाड़ी ही चोरी हो जाएगी शहर की। यार कौन हो सकता है भाई, मेरे दिमाग में बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा आखिर कौन है गाड़ी चोर। अपने चोर को फोन लगाऊं, अबे चोर गाड़ी चोरी तू ही कर रहा है क्या बेटे? भाई चोर मेरे को बोलता है कि ड्राइवर भाई कैसी बात कर रहे हो, मेरे को टाइम ही नहीं निकलता यार, मैं आपके उसी बंकर में अब हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता बिल्कुल भी। आपको याद है मैंने चोर को अपने छोटा सा बंकर और छोटा सा गैरेज देख रखा जहाँ पे वो कार भाई मॉडिफाई करता है मेरे लिए, बेचारा वहीं पर रहता है आजकल, इसको टाइम ही नहीं मिलता बाहर निकलने का, इसको पता भी नहीं है शहर में नया एडवांस चोर आ चुका है। चलो इसको काम करने तो कोई टेंशन की बात नहीं, फिलहाल मैं ही कुछ ना कुछ तो मैं हैंडल करता हूँ। लेस्टर को बोलता हूँ, लेस्टर भाई जितनी भी ज्यादा एडवांस चीजें तेरे पास सब कुछ यूज कर, सैम नाम का बंदा जो हमें कल मिला था उसको पकड़, उससे इन्फॉर्मेशन निकलो, पीटर को मिला, तुम सारे हैकर एक जगह बैठ जाओ और भाई इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को कुछ भी कर। भाई लेस्टर से बात हो चुकी, लेस्टर बोल रहा है ट्रेवर भाई मुझे तुझसे ज्यादा चिंता है, थोड़ा टाइम तो दे, ऐसे तो नहीं है कि चुटकी बजाई और हो गया काम, कोई जिन नहीं हूँ भाई मैं इंसान हूँ। खैर भाई वो भी बहुत परेशान है, चले यार उसको ज्यादा परेशान करने से कोई फायदा नहीं है, मैं भाई उसको ज्यादा बोलता रहूंगा बार बार उसके सर में दर्द हो जाएगा, उसको आराम से काम करने दो। मेरे पास मुकेम्बो का फोन आया, मुकेम्बो चाचा मुझे बोल रहे हैं कि ट्रेवर आजा यार तेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो मेरा बहुत प्यारा घर है, काफी टाइम से मैं इसमें नहीं आया, मैं अभी देखो जा ही रहा हूँ तो मैं आखिरी चीजें तेरे को दिखा देता हूँ जो कि लॉस सैंटोस से मेरी बड़ी खास चीज है, वो घर तू आ जल्दी से उस घर को देख और आज से वो घर तेरा। यार ये मुकेम्बो तो कुछ ज्यादा यार कमाल का बंदा है सच में, ये तो मेरे को सारी चीज दे देगा अपनी, ऐसा लग रहा है भाई। भाई सच में यार अमेजिंग मेंशन है, मैंने अभी तक ऐसा मेंशन ऐसी जगह पे नहीं देखा। फिलहाल हेलीकॉप्टर से मैं यहाँ पर आया हूँ, कमाल की चीज बनाई है मुकेम्बो भाई ने, एंट्री देख रहे हो भाई कितनी मस्त लग रही है, जैसे किसी मस्त महल में मैं जा रहा हूँ। ये सच में KGF का जो लेवल है ना यार, इनका जो स्वैग है वो अलग ही लेवल का है, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे। आप हेलीकॉप्टर से आ सकते हो, ये हेलीकॉप्टर से आने का रास्ता है, आप यहाँ पे बोट से आ सकते हो, नीचे जो रास्ता है ना वहां से बोट से उतरो आराम से और सीधा घर के अंदर एंट्री ले लो सच्ची में भाई। और पूरा घर भाई शीशे का है, मजा आ जाने वाला है। फिलहाल मुकेम्बो ने इसको मुझे दे दिया भाई, कितनी मेहनत से बंदे ने बनाया होगा, तो लगता है भाई यहाँ पे कुछ बंदे बैठे हुए यहाँ के साफ सफाई करने वाले बंदों का, सीधी सी बात है भाई घर इतना बड़ा है मेंटेन करने के लिए साफ सफाई वाले बंदे नहीं होंगे तो पूरा घर भाई गंदा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे भाई ये एक्सरसाइज का एरिया आप बोल सकते हो, प्लेइंग एरिया बोल सकते हो, पीछे बंदे जिम कर सकते हैं, यहाँ पे खेल कूद सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। ऊपर निकलते तो ऊपर भाई आपका डाइनिंग रूम आप बोल सकते हो, सामने आपकी किचन हो गई है और यहाँ पर आप कंप्यूटर भाई इसको गेमिंग रूम मैं बने ही बोलूंगा, बट फिलहाल यहाँ पे आपका वॉशरूम हो गया। तो फिलहाल चलिए और कोई भी रूम है क्या यहाँ पे? वो भाई ये इनकी पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है बंदे का यहाँ पर, तो फिलहाल ये करंट मार सकता है इसलिए मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर बंदे की बालकनी हो गई है, यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, ये बेडरूम है भाई जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, एक चाचा बेडरूम में आराम से बैठ के मजे ले रहा है, पीछे बंदे कपड़े हो गए, बेड हो गया, इतना बड़ा टीवी भाई मजेदार। फिलहाल सच्ची में मुकेम्बो भाई थैंक यू यार फॉर द गिफ्ट, आपने इतना बढ़िया मेरे को यार मेंशन गिफ्ट करा, बहुत अच्छे बंदे यार सच्ची में, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो फिलहाल भाई मैंने पूरा मेंशन लगभग देख लिया है, छोटा मेंशन है बट भाई है बहुत ही बढ़िया, मतलब कि मैं यहाँ पे निकी के साथ में आ सकता हूँ, टोगी के साथ में, चाहे हमारा मन करे भाई यहाँ पे खुली हवा में रहने के लिए। भाई देख रहे हो यहाँ पे हवा कितनी मस्त चलती होगी, पानी के बीच में ये घर है तो ऐसे एरिया में रहने का मजा ही कुछ और है, नजारा देखो, पानी को देख के उठो, पानी को देख के सो जाओ। ट्रेवल बेटे बस ओके भाई अभी नीचे की तरफ आ चुके, मेरे को जगह बहुत पसंद आई है, किसी दिन निकी के साथ और डॉगी के साथ मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहने के लिए आऊंगा, कुछ दिन छुट्टी यहाँ पर बिताएंगे आराम से, वो जरूर होगा भाई एक ना एक दिन यहाँ पर हम जरूर आएंगे। ट्रेवल बेटे बस आराम से, पानी में नहीं जाना, बस बस एक तो लड़खड़ाता बहुत है भाई। मैं शहर में वापस आ चुका हूँ, ये काम नहीं करना चाहिए था भाई बंदों को। लेस्टर का फोन आया मेरे पास आते ही, भाई यहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है भाई, पुलिस वाले टकलों ने भाई एनकाउंटर कर दिया बंदों का, मारो 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 बदतमीजों को, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं गोली नहीं मार सकता भाई क्योंकि मैं गोली मारूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब, पुलिस वालों तो दमे, अबे गंजे पीछे मत जाबे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, पुलिस वाले को उड़ा देता भी। अरे भाई साहब ये इसमें दिमाग बड़ा क्या है, पुलिस वाले में ऐसे जा रहा है पीछे, अच्छा हो भाई बच गया, नहीं तो वो येलो कार वाला बंदा खत्म कर देता। तो फिलहाल चलिए भाई एक पुलिस वाला पीछे चला गया और एक गाड़ी में बैठ गया, फिलहाल देखते हैं भाई ये बंदा गाड़ी चलाएगा नहीं चलाएगा। अरे भाई पैसेंजर की सीट पे जाके बैठ गया ये बंदा,
फिलहाल भाई गाड़ी वही चलाएगा तो चाबी उसी के पास है और ये तेरे चौड़े मारा है। अरे भाई रोड क्रॉस ठीक से कर लेगा रखता है। रोड क्रॉस का सिस्टम जीटी वालों ने बड़ा हल्का ही बनाया हुआ है। देखो ये ऐसे आराम से जा रहा है जैसे भाई कोई पार्क में घूम रहा हो बंदा। अबे रोड क्रॉस कैसे कर रहा है तो नमूने फिलहाल अच्छा हो। चलो यहाँ पे गाड़ी नहीं आ रही, नहीं तो इसको पक्का उड़ा करके जाती। इनके पास शॉर्ट गन थी भाई इसीलिए इन्होंने इसको मार गिराया, नहीं तो शॉर्ट गन नहीं होती तो मारना काफी मुश्किल होता। भाई यार ये लॉजिक ना मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है जीटी वाले बंदों का। मैं इतनी देर से यही नोट कर रहा हूँ कि ये टकला वापस से गाड़ी चलाएगा या नहीं चलाएगा। तो फिलहाल अभी देखो ये मर्डर के पास आकर के भाई यहाँ पे देख रहा है कि हमने इन बंदों को मारा है। कुछ यहाँ पे एम्बुलेंस वाले बंदे आ गए। चलो देखते भाई जीटी की प्रोग्रामिंग कैसे काम कर दी है, मतलब इन बंदों ने इस चीज़ के ऊपर क्या करके रखा हुआ है। तो ठीक है भाई, इसने थोड़ी देर मर्डर को देखा, यहाँ पे बंदा कुछ लिखने लग गया, देख रहा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता और भाई ये यहाँ से चले गए। ये बहुत बढ़िया। तो फिलहाल इनके पास बाद में पता चलेगी रिपोर्ट। तो बंदे ने कुछ लिखा डायरी में और यहाँ से चल दिए। अबे बॉडी का मेरा फूफा उठाएगा आकर के हाथ है भाई साहब, ये चीज लीव इट बोल रहे हैं भाई, तो ये तो कोई बात गलत है यार। तो एम्बुलेंस वाले यहाँ पे सिर्फ आते हैं चेक करके चले जाते हैं, बॉडी को लेकर के नहीं जाते। ये जीटी का लॉजिक थोड़ा अजीब है यार। पुलिस वाला बंदा भी निकल गया, एम्बुलेंस वाले भी निकल गए, अब इसको उठाने के लिए कौन आएगा? थोड़ा वेट करे, चेक कर लेते भाई। इनकाउंटर तो इन्होंने कर दिया बट फिलहाल लेने कोई नहीं आया, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। चलो खैर भाई ऐसे ही होता होगा, कौन छोटी छोटी चीज़ों पे नोट करता है। इतनी सीधी सी बात है, मर्डर करके बंदे निकल जाते हैं, गेम है भाई, सीधी सी बात है, कोई नहीं फोकस करता है। तो हमने फोकस कर लिया इस चीज़ के ऊपर, तो इसका मतलब कोई नहीं आता डेड बॉडी के पास। बस झूठ मूठे एम्बुलेंस वाले आते हैं, लिखते हैं और चले जाते हैं, बॉडी वहीं पे पड़ी रहती है और फिर बाद में वो गायब हो जाती है, जैसे गेम के रूल्स होते हैं, सीधी सी बात है। तो फिलहाल मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता रहा था बट इनके चक्कर में मैं भूल गया उस बात को भाई, काम वो बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारी वैसी गाड़ी चोरी हो रही है, फिलहाल भाई अभी बात हो चुकी है और भी सीरियस, क्योंकि अब हुई है मेरी महंगी गाड़ियाँ चोरी, मेरी सुपर गाड़ियाँ, मतलब कि भाई जो महंगी है मिलियंस में उनके प्राइस है, वो खड़ी थी मेरे एक गैरेज में, वहाँ से लापता हो गई है, एक भी गाड़ी नहीं है। मैं ये नहीं समझ पा रहा मेरे गैरेज के पासवर्ड्स कैसे मिल गए उन बंदों को। मेरे गैरेज में घुस करके मेरी भाई 20 से ऊपर सुपर कार्स को बंदों ने चुरा लिया है। 20 सुपर कार्स भाई, अब समझ रहे हो, एक गाड़ी कोई भी 3 या मिलियन से कम नहीं थी, 3 मिलियन की तो गाड़ी थी ही। भाई मैं पहुंच चुका हूँ अपने गैरेज में, जहाँ पे वो मेरी 20 सुपर कार्स खड़ी थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग गाड़ियाँ खड़ी है। आतंक सा उठा दिया भाई, एक भी गाड़ी नहीं छोड़ी। जैसे कि आप देख रहे हो सारा का सारा एरिया बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से साफ करके चले गए बंदे। सच्ची में यार ये कौन सी गैंग है मैं समझ नहीं पा रहा। मैं माइकल को फ़ोन करता हूँ यार, जब से माइकल संभाल रहा था सभी चीज़ों को 2-3 दिन तक, तब ही ये सारी चीज़ हुई है भाई। भाई माइकल से बात हो चुकी है, माइकल बोल रहा है ड्राइवर कैसी बात कर रहा है यार, मैं तेरे को तेरे प्लान के हिसाब से चल रहा, जो तूने मेरे को बोला था मैं वही कर रहा था, मैंने तो वही ड्रामा करा, मतलब कि तुझे बचाने का ड्रामा दुनिया के सामने, बस मेरे को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो फिलहाल भाई माइकल को इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, कोई रैंडम बंदे। ये लेस्टर से बात हो चुकी है, लेस्टर बोल रहा है मुझे ऐसा लगता है तो कुछ बंदे जो केव में है ना ट्रेवर, वहीं पे जा, उन्होंने सारा का सारा काम करा, क्योंकि केव का नक्शा ही बदल गया, बड़ी अजीब सी हो गई आज केव। तो चलो भाई चलता हूँ, आपको पता है वो भूतिया भाई केव जो है शहर में, भाई मैं केव में पहुंच चुका हूँ। तो फिलहाल भाई रास्ता बंद करके रखा है बंदों ने, बहुत बढ़िया। इसको खोलना हमें आता है, मिनी गन से खोलूंगा मैं, फायर ब्लास्ट वगैरह नहीं करूंगा। अंदर कुछ है भाई, अंदर सच्ची में कुछ है, तो आराम से गेट को तोड़ देते हैं। मेरी मिनी गन तोड़ इसको, बेटे टूट गया, अंदर बंदा खड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मिनी गन की पावर देख रहे हो भाई, कैसे गेट का कमर सी तोड़ दी। तो फिलहाल हेलो चाचा, बाद में बातें करूंगा इससे। ये किस टाइप की लाइट लगा के रखी है बंदों ने, बार बार जल रही है फिर बंद हो रही है, बार बार चल रही है फिर बंद हो रही है, ये कुछ अलग लग रही है ना भाई, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई भूत आने वाला है। बहुत ही मस्त इफेक्ट आ रहा है, बट ये तब अच्छा लगता है जब कोई सच में भूत हो यहाँ पर। फिलहाल कोई भूत नहीं है, बट फिलहाल ये ऐसा क्यों करके रखा है बंदों ने। तो आगे कोई मेरे को गार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे, तो जो एंट्री पर गार्ड्स खड़े हैं उनसे जाकर के बात करता हूँ, क्या बता इतने अंदर तक यार केव, वहाँ पे जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं इनसे ही खास करता हूँ भाई जो पास में खड़े बंदे। हेलो मेरे प्यारे भाई, मेरे को ज़रा बताओ ये ड्रामा है क्या, लाइट बंद हो रही है स्टार्ट हो रही है, क्या करके रखा है तुम लोगों ने, मुझे बता। गाड़ियाँ चोरी हुई है, मेरी स्पेशल सुपर कार्स है वो 20 किसके पास है? ड्राइवर सर हमें कुछ नहीं पता भाई, हम तो यहाँ पर सिर्फ कुछ चेक करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं, चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं हमारी आईडी को देख करके। गवर्नमेंट ने बोला है यहाँ पे आप चेक करिए, रिसर्च करिए, कोई चीज़ तो नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे गैंगस्टर वगैरह आते रहते हैं, माफिया आती रहती है, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए थे चेक करने के लिए। क्योंकि कल रात हमें इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ पे बहुत ही खतरनाक माफिया के बंदे रुके हुए थे, जो कि बॉम्ब प्लांट करने की प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ पर आए थे चेक करने के लिए हर एक चीज को, बट जब तक हमारे सारे बंदे जा चुके हैं। फिलहाल भाई बंदे का कहना है गवर्नमेंट का बंदा है, आईडी मैंने चेक कर ली है, बंदा सच बोल रहा है, ऑफिशियल ही बंदे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे किसी भाई गैंगस्टर को पकड़ने के लिए आए थे, कुछ माफिया वाले बंदों को जो कि यहाँ पे बॉम्ब की प्लानिंग कर रहे थे, मैं उनको पकड़ने के लिए यहाँ पे आया था, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल भाई साहब ये निकल क्यों रहा, ओके भाई अब निकल रहा है, पता नहीं ड्राइवर कहाँ पे अटक गया था। तो भाई चलिए ये इन्फॉर्मेशन भी कोई काम नहीं आई, ड्राइवर बेटे कैसे काम चलेगा,
गाड़ियाँ हमारी भी चोरी हो गई भाई, अब मेरे को ज्यादा दुख हो रहा है। अगर मेरी गाड़ी चोरी नहीं होती ना तो मेरे को इतना दुख अभी तक नहीं हो रहा था। बंदा मुझसे पंगे ले रहा है यार, कौन हो सकता है, कोई जानने वाला बंदा तो नहीं। देखो भाई टेरी जेल में है, वो न्यूटन वही बंदा वो जेल में है, वही जो हमें मारना चाह रहा था, वही भाई क्रिमिनल जो छूटा था जेल से, उन दोनों को जेल में बंद करके रखा हुआ आराम से। फिर कौन कर सकता है, कोई अंडरवर्ल्ड माफिया का बंदा तो नहीं ना? बट यार नहीं यार वो तो नहीं होंगे, उनके सारे बंदे मैंने मार दिए। कभी कोई और हो निकल के आ गया बदला लेने के लिए, बट अगर वो बदला लेना चाहता तो बंदों को मारता, गाड़ी क्यों चोरी करता। भाई लेस्टर का फोन आया, खुशखबरी मेरी कुछ गाड़ी मिल चुकी है भाई, जल्दी से जाता हूँ, लेट नहीं करूंगा, मेरी सुपर कार। इसका मतलब जिसके पास है वही चोर है, जल्दी से जाता हूँ भाई लेस्टर के पास। तो कैमराज काम कर गए भाई, मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ। तो फिलहाल भाई यही वो घर है जहाँ पर मेरे को मेरी गाड़ियाँ मिलने वाली है। हेलो भाई, यो पिटोगे पिटोगे पिटोगे, इतना पिटोगे तुमने सोचा नहीं होगा। तो फिलहाल एक गाड़ी यहाँ पर है, एक गाड़ी भाई जो मेन है, ये तो नॉर्मली गाड़ी है, ज्यादा महंगी वाली नहीं है। फिलहाल है तो ये भी मेरी, बट इतनी महंगी गाड़ी नहीं। पीछे वाली जो है ये महंगी गाड़ी, आपको पता है रेसिंग गाड़ी थी, बहुत ही पुरानी भाई, इसको मैं एक जगह से लेकर के आया था। ये कार यहाँ पर है, और भाई ये वाली कार बहुत ज़्यादा महंगी है भाई, आप इसको देख ही रहोगे। ये गाड़ी भी चलो मेरी है, यहाँ पर आ गई है, बहुत अच्छी बात है। ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब कि तीन गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा पैसों की है, बाकी इनमें से कुछ नॉर्मल है। तो इसका नॉर्मल गाड़ी भी चोरी हुई है, 20 गाड़ी से ऊपर चोरी कर ली गई इन्होंने। 20 तो भाई लेस्टर ने वही मेरे को बताया था जो 3 मिलियन से ऊपर है, और बाकी 3 मिलियन से जो कम है वो भी चोरी कर रखी है। तो फिलहाल है कौन ये बंदे, मेरे को ज़रा बताने का कष्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई, ज़रा मेरे को बता तो सही। ये गाड़ियाँ मेरी है, और तुम्हें पता है ना ड्राइवर कौन है, कैसे हिम्मत हुई मेरी गाड़ी को यहाँ पे लाने की। ड्राइवर सर सॉरी, हमें नहीं पता था आपकी गाड़ियाँ है, हमें तो कुछ बंदों ने फोन करा, हम ड्यूटी पर यहाँ पर आए। हम सर उस टाइप के बंदे जो पैसे लेकर के काम करते हैं, मतलब कि आप हमें पैसे दे तो हम पूरे दिन आपकी सिक्योरिटी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी वाले बंदे हैं। तो कुछ बंदों ने हमें फोन करा, बोला एक घर पर आ जाइए, हम फिर यहाँ पर आए। बंदों ने हमें बोला यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, इनकी सिक्योरिटी करना, हमें पैसे दिए और चले गए। ड्राइवर भाई बस यही बताया हमें, हमने सोचा ये घर उन बंदों का है तो इसका मतलब ये घर किसी और का है। फिलहाल भाई मैं समझ गया यार, बड़ी शातिर बन रहे बंदे। तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके उन बंदों ने जिन्होंने गाड़ी को चोरी करा, इनको फोन करके बुलाए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बंदे, इनको पैसे दिए और बोला हम बाद में आएंगे गाड़ियों की सिक्योरिटी करना। तो बेचारे बस यहाँ पे सिक्योरिटी कर रहे हैं भाई, खड़े होकर के गाड़ियों की। कौन है भाई इतना दिमाग चला रहे हैं? तो यार देखो इनको मारना ठीक नहीं होगा, इनको कुछ पता ही नहीं है भाई, इनको पता होता ट्रेवल की गाड़ी है तो पहले ही मर जाते, मतलब कि भाग जाते। भाई खुशखबरी यार, जगह तो काम आ गई, बंदे लकी है मेरे लिए, यहाँ से निकला भी नहीं, फोन आ गया टीवी चार्जर का। टीवी भाई आपको पता ही है, एडवांस बंदा टीवी फोन करके बोलता है ट्रेवर मैंने बंदों का हुलिया पता लगा लिया है, मेरे कुछ खास खबरियों ने पता लगाया, जो गाड़ी चोरी कर रहे हैं ना बंदे वो मास्क पहन के रखते हैं परमानेंट, आज तक उनका फेस किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने जिन खबरियों को लगा के रखा था इस चीज़ के पीछे, उन्होंने देखा कुछ मास्क वाले बंदे कुछ गाड़ी चुरा रहे हैं, और फिर उनको फॉलो करा गया तो देखा बहुत बड़ी गैंग है, जो कि मास्क गैंग के नाम तो बोल सकते हो, मतलब उनका नाम नहीं है बट मैंने नाम दिया उनको मास्क गैंग, जो कि मास्क लगा के गाड़ियों को चुरा रहे हैं। तो फिलहाल भाई बंदों की चलो पहचान तो पता चल गई है, इसका मतलब जो भी कोई मास्क पहन के बंदा मेरे को दिखा पूरे शहर में, इसका मतलब वो उसी गैंग का बंदा है, और मास्क भाई वही वाला मास्क, पूरा ब्लैक मास्क और आंखें दिखेगी बस, तो उस टाइप का मास्क पहन के रखा है बंदों ने जो गाड़ी चोरी करते फिर रहे हैं। चलो भाई टीवी ने बहुत बड़ी हेल्प कर दी। भाई लेस्टर मुझे बोल रहा है कि ट्रेवर भाई तुम्हें शायद से बीच पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बीच पार्टी में शायद से तुम्हें तुम्हारा कोई चोर मिल सकता है, ऐसा मेरे खबरियों ने बोला है। तो फिलहाल भाई उसने मेरे को एक लोकेशन दी जहाँ पर बीच पर पार्टी चलने में लगी हुई है, जल्दी निकलते हैं भाई यार, इन बंदों को पकड़ना काफी मुश्किल हो रहा है यार, हमारा ना सॉफ्टवेयर काम आ पा रहा है ना कोई भी चीज़ काम आ पा रही। भाई बीच पार्टी में पहुंच चुका हूं, तो फिलहाल यहां पर पार्टी होने में लग रही है, बंदे काफी मजे यहां पर ले रहे हैं। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, इतनी धूप हो रही है भाई, धूप में कौन पार्टी करता है? अबे नमूना रात को आ जाते भाई, पागलों के सरदार हो आप लोग, पता है ना यहाँ पे कुछ पुलिस वाले बंदे भी सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो भाई लेस्टर ने बोला था यहाँ पे चोर मिल सकते, कुछ खबरी ने बोला था, तो भाई अभी इन सभी बंदों को उठवा लूँ मैं पुलिस वालों को बोल करके, क्योंकि भाई देखो क्या पता वो चोरी करते टाइम मास्क पहनते हो, जो मास्क चोर हमें बताया टीवी चाचा ने, और यहाँ पर फिलहाल अभी उन्होंने मास्क उतार करके रखा हो, क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मुझे इनको उठवा लेना चाहिए सभी को, जब पुलिस में डंडे बजेंगे ना इनको तो कोई ना कोई तो सच बोलेगा। भाई देखो मानता हूँ कुछ शरीफ बंदे पिटेंगे, बट भाई हम पता लगा करके रहेंगे चोर कौन है, मानता हूँ देखो थोड़ी प्रॉब्लम होगी शरीफ बंदों को, बट यार देखो इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ऐसा ही करना पड़ेगा, देखते हैं भाई कैसे भी होगा। फिलहाल भाई लेस्टर को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेस्टर बोल रहा है ठीक है पुलिस वाले को भेजता हूँ, सभी को उठाते हैं और पता करते हैं। तो भाई फिलहाल अभी एक इन्फॉर्मेशन और मिली है, लेस्टर को मेरा टैंक मिल चुका है भाई, गाड़ियों में एक टैंक भी मिसिंग है, अब बता रहा है मेरे को नमूना। आपको याद है मिलिट्री वाले बंदों ने काफी टाइम पहले मेरे को एडवांस टैंक दिया था, तो उनमें से एक टैंक मिला है। तो फिलहाल भाई पता नहीं सारे टैंक चोरी हुए, वही टैंक चोरी हुआ है,
ये तो पक्का नहीं बोलेंगे, बट एक टैंक मिल चुका है लेसर को, बोल रहा है। और फिलहाल पता है भाई वो कहाँ पर मिला है? जाता हूँ जल्दी से, मुझे लगता है मेरे को बेस मिल चुका है मास्क गैंग का। फटाफट से निकलता हूँ। मास्क वाले बंदो, ड्राइवर के हाथों चढ़ जाओ भाई तुम एक बार। बस एक बंदा मिल जाए भाई, एक बंदा, उस एक बंदे का इलाज करके फिर मैं पूरी गैंग तक पहुंच जाऊंगा। भाई मैं पहुंच चुका हूँ जगह पर, तो फिलहाल यही बोला था मेरे को लेस्टर ने बेस। भाई कैसी जगह पे रुके बंदे यार, यहाँ पर शायद मैं पहले भी आ चुका हूँ। वाह भाई वाह, चालाकी देखो चालाकी। ओके भाई टैंक मिल चुका है मेरा, बहुत एडवांस टैंक है, आपको याद है ये वाला टैंक? उड़ा के रख देता है बंदे को, उड़ा करके भाई बहुत खतरनाक तरीके से पीटता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है, इसमें किसी चीज का असर नहीं होता। एडवांस भाई ये टैंक है, ये मेरे को टैंक दिया था भाई मिलिट्री वालों ने गिफ्ट काफी टाइम पहले। बहुत ही मस्त ये टैंक है, पावरफुल जिसको बोल सकते हो आप, ये वो है। तो यहाँ पर भाई एक ही है, बाकी भी है। चेक कर ट्रेवर, इसे आगे की तरफ जा। तो फिलहाल भाई कोई है या नहीं है, जल्दी से अंदर जा करके चेक मेरे को करना पड़ेगा। तो फिलहाल ठीक है भाई, मैं टनल के अंदर घुस चुका हूँ, जगह बर्बाद पड़ी। यहाँ पे शायद मुझे याद है पहले मिलिट्री वाले बंदे रहा करते थे शायद, देखो पक्का नहीं बोलूंगा, बट फिलहाल अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। अरे यार लगता है फिर से भाग तो नहीं गई ना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलने से पहले। सच्ची में वैसे एक बात मेरे को अजीब लग रही है, मेरे को मेरे सामान धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं, कभी गैंग वाले मुझसे डर तो नहीं गए? क्योंकि मेरे को मेरी गाड़ी मिल गई, क्या पता वो भाई मेरे को दिलवाने का एक तरीका हो, उनको फ्री में छोड़ करके वहाँ पे चले गए ताकि ड्राइवर वहाँ पे पहुँच जाए। मेरे को मेरा टैंक भी फ्री में मिल गया, मेरे को ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़े। बंदे मेरे को मेरा सामान वापस देने लग रहे, मुझे ऐसा लगता है कभी डर तो नहीं गई ना कि ड्राइवर हमें मार देगा? इससे अच्छा क्या है, ड्राइवर का सामान वापस कर दो, बाकी बंदों को चुरा लो। तो फिलहाल भाई अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर बंदे होते तो यहीं तक मिल जाते, फिलहाल बंदे नहीं हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है शायद बंदे मुझसे डर गए हैं, इसलिए धीरे धीरे मेरे को मेरा सामान मिल रहा है। तभी तो हमें कैमराज में इन्फॉर्मेशन मिल रही है बार बार, टैंक की मिल गई, गाड़ियों की मिल गई। तो देखते हैं भाई जैसा भी होगा, इनको तो पकड़ के मैंने आपको बोल ही दिया भाई, इनकी सज़ा तो वही मिलेगी। तो फिलहाल ट्रायर बैठे टैंक में बैठ जाए, कम से कम इसको ट्राई तो कर ले। तो फिलहाल चलिए भाई, कुछ ना कुछ तो आपको पता है हम कर ही लेंगे, चोर ज़्यादा टाइम तक नहीं बचने वाले, देखते हैं कब तक आखिर बच सकते हैं। तो ड्राइवर बैठे टैंक काफी अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो से तैयार होते, ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उसको सब्सक्राइब कर दो। अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं करा, जल्दी से आकर फॉलो कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।